हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। वेलकम टू पंकज एरोटेक। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा की सूचिता भंग करने की साजिश रचने की सूचना मिलने पर कार्रवाई कर छात्री को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नरेंद्र कुमार पटेल व उसका गैंग कई परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने का प्रयास कर रहा था। सभी छात्रियों एवं परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फोटो हैं दोस्तों, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है सारे गैंग हैं जो कि जो है ये पैसे से जो है पेपर को लीक करा रहे थे लेकर के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे है कि यूपीएसटीएफ ने बड़ी सफलता और चौतरफा कार्रवाई करते हुए रविवार को राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम कर दी। एसटीएफ के ने एक अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए साल्वर गैंग के 21 छात्रों को गिरफ्तार किया। इनमें मास्टरमाइंड प्रयागराज के नरेंद्र कुमार पटेल और विजयकांत पटेल हैं। यह गैंग 10-10 लाख रुपये में अभ्यर्थियों को पास कराने का सौदा करता था। हालांकि कहीं से पेपर लीक सूचना नहीं मिली है। ठीक है, पेपर लीक की सूचना नहीं है। एडीसी एसटीएफ टावेस ने बताया कि रविवार को 12 मंडल मुख्यालय अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, नगर, लखनऊ और वाराणसी के 500 केंद्र पर राजस्व लेखपाल की परीक्षा की संपन्न हुई। परीक्षा की सूचिता भंग करने की साजिश रचने की सूचना पर मिलने पर कार्रवाई कर छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इसमें नरेंद्र कुमार पटेल व उसका गैंग कई परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने का प्रयास कर रहा था। सभी छात्रों को एवं परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विजय पुराने नकल माफिया के ए पटेल को गैंग के पटेल के गैंग से संबंधित है। ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा में बैठे थे कई अभ्यर्थी। तो यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस 10-10 लाख रुपये में हुआ था सौदा। और यहाँ दोस्तों मुख्यालय की टीम ने साल्वर को किया गिरफ्तार। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आखिरकार परीक्षा हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कोशिश किए थे ज़रूर और यहाँ पर पकड़े भी गए हैं।